मान लो आप अपने घर में टॉफी खा रहे हो और आपने उसका रैपर अपने रूम में फेंक दिया और तभी पुलिस आ जाती है और कहती है कि तुम कचरा फैला रहे हो इसलिए हमें अब फाइन भरो। आपका रिएक्शन होगा कि भाई तेरा क्या जा रहा है, मेरा घर मेरा रूम मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, है ना। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग ऐसा ही हुआ था ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन के साथ। लैरी हवाई के एक आइलैंड में गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते उन्हें ध्यान नहीं आया कि कार ओवर स्पीड कर रही थी कुछ टाइम से। तभी पुलिस उनके पास आती है और कहती है कि सर आप ओवर स्पीड कर रहे थे, आपने ट्रैफिक लॉ को तोड़ा है इसलिए आपको फाइन भरना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि हां इसमें नया क्या है, रूल तोड़ोगे तो फाइन तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लैरी एलिसन ने 2012 में ही वो पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ आर्ग्यू नहीं किया और $200 फाइन भर दिए। देखो $200 का फाइन लिटरली कुछ नहीं उस बंदे के लिए जिसकी नेटवर्थ $100 बिलियन हो। लेकिन लोकल सिटीजन काफी इंप्रेस हुए कि पुलिस ने उनको इक्वली ट्रीट किया और लैरी ने भी ईमानदारी दिखाई। दरअसल ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन अपनी पावर का कई बार गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन इस केस में लैरी ने कुछ नहीं कहा। वैसे अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते, पुलिस को ही उस आइलैंड से भगा देते या फिर ऑनेस्टली फाइन भरते।